डेट के ऊपर सिंपल मैथमेटिक्स कैसे करते हैं ये अभी हम देखते हैं। सिंपल मैथमेटिक्स का मीन्स है कि हम किसी डेट के ऊपर, मीन्स ये कोई नंबर ऑफ इयर्स हैं, ये मंथ हैं और ये डेज हैं, इसमें मुझे कुछ नंबर ऑफ इयर्स, कुछ डेज एंड कुछ मंथ ऐड करने हैं तो मैं कैसे कर सकता हूँ। पहले हम एडिशन सीखेंगे, फिर हम सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। सब्ट्रैक्शन से हमें एज सब्ट्रैक्शन से एज कैलकुलेट होती है, और एडिशन हम सिंपल मैथमेटिक्स की, पहले हमें एडिशन आएगा तभी हम सब्ट्रैक्शन को बहुत इजी समझ पाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले ये है कि अगर मैं मंथ यहाँ लूँगा तो ये नहीं है कि हम 31 डेज लेंगे, हम एक मंथ में, वन मंथ इज इक्वल टू 30 डेज ही लिखेंगे। वन मंथ इज इक्वल टू 30 डेज, और वन ईयर, ये तो होता ही है, इज इक्वल टू 12 मंथ, ये हमारा कन्फर्म है, मीन्स हम इनको चेंज नहीं करेंगे। कई बार कहते हैं कि वन मंथ में 31 डेज या 29 भी होते हैं, हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन के टाइम में 31, 29, 28 डेज नहीं लेने हैं, हम 30th ही स्टैंडर्ड मानते हैं और इसी से कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ देखिए कि 29 दिसंबर 1983 में मुझे 15 ईयर 10 मंथ और 28 डेज ऐड करने, मींस ऐड कर रहा हूँ मैं, तो क्या करूँगा, 29 और 28 हो गए 57, समझ में आया, 57। लेकिन हम 57 तो यहाँ लिख नहीं सकते क्योंकि नंबर ऑफ डेज तो 30th ही होते हैं, तो 30th के बाद जितने हो गए वो यहाँ लिखेंगे और 30th की एक कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। तो यहाँ 57 में से माइनस 30 किए तो 30 की एक कैरी आ गई। अब ये नहीं है कि ये 30 यहाँ ऐड होंगे क्योंकि 30 डेज में वन मंथ होता है, अब ये मंथ हो गए तो ये 30 डेज में कितने वन मंथ होते हैं, तो मैं यहाँ वन ऐड करूँगा, न कि 30th ऐड करूँगा। जैसे ही वन किया, 13 और 10 23, फिर मैं यहाँ 23 नहीं लिख सकता, तो क्या हुआ, हम 23 मीन्स क्या हुआ, 12 के बाद जितने मंथ बचे हैं वो मैं यहाँ लिखूँगा, तो 12 की एक कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी और जो बाकी बचे हुए हैं 11 मैं यहाँ लिखूँगा, मीन्स 23 माइनस 12, 12 की यहाँ से कैरी होगी, जो रिमेनिंग बच गई वो यहाँ लिख दिए। अब 12 फिर नहीं, 12 मंथ हैं और ये ईयर हैं, मीन्स क्या होगा, 12 मंथ की एक कैरी फॉरवर्ड होगी, 12 मंथ की एक कैरी फॉरवर्ड होगी और एक एडिशन होते ये 135 इज 9 और 8 एंड इज 19, 9 एंड 1, मीन्स क्या हुआ, ये इस तरह से एडिशन से अब कहें कि 15 साल बाद 15 या हाफ मंथ कहो हाफ ईयर कहो या कहें 15 साल और 10 महीने बाद बच्चा कितनी उम्र में चला जाएगा या उस दिन क्या डेट होगी, तो ये डेट होगी उस दिन। मान लो मैं इस तरह से एडिशन करता हूँ। माइनस के लिए मीन्स ये मैंने कोई डेट लिखी 7 सितंबर 2021, ये कोई आज की डेट है, और किसी आदमी की ये DOB है, ये मैं कह रहा हूँ कि ये DOB है, तो वो इस डेट तक कितनी उम्र का हो गया, तो यहाँ अब हमें माइनस करना है। तो माइनस में वही फिर सिंपल फंडा कि यहाँ से अगर मुझे एक कैरी बोरो करनी है यहाँ के लिए, तो 12 उठ कर आएंगे यहाँ से माइनस वन ही होगा। अब देखिए सिंपल कि 7 में से 30th माइनस नहीं हो सकते क्योंकि 7 छोटा है और 30 बड़े हैं, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ से एक
एक कैरी, यहाँ से एक कैरी निकलेगी तो यहाँ ये एट हो जाएंगी, मीन्स इसको मैं कट करके यहाँ मैं लिखूँगा ये एट हो गई। यहाँ से एक नॉट कैरी, यहाँ से एक बोरो, यहाँ से इधर एक बोरो लेगा ये, और बोरो में ये 30th डेज लेगा, मीन्स यहाँ से एक कम हुआ लेकिन यहाँ क्या हुआ 30th डेज इधर आएंगे तो यहाँ 37 हो जाएंगे, न कि 7, ये हो गए 37। 37 में से मैं इजीली 30th को कम कर सकता हूँ तो आया 7। अब क्या हुआ, ये 8 है और ये 9 है, अगेन वही प्रॉब्लम कि ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, तो मैं यहाँ से एक बोरो लूँगा, एक बोरो लेते ही ये 21 नहीं बचेंगे, ये बचेंगे 20, और यहाँ से एक लिया कम तो एक हो गए 1 ईयर, लेकिन यहाँ 12 मंथ ऐड हो जाएंगे, मीन्स 12 + 8 = 20। अब मुझे 20 में से 9 सब्ट्रैक्ट करने हैं, क्या आएगा 11। ठीक है, और अब 20 में से ये कर दीजिए 3 और 2, मीन्स वो 23 ईयर 11 मंथ और इतने डेज की उम्र हो जाएगी उसकी। इसी तरह से एक एग्जांपल और लेते हैं कि ये एक डेट है, जिस तरह से मैंने लिखा 2020 June 10, मीन्स 10th June of 2020, इसमें से ये एक बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है कि 20th November 2005, तो इस बच्चे की उम्र क्या होगी, क्या एज निकल के आती है, तो मैं क्या कहूँगा कि ये 10 में से 20 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता क्योंकि मुझे तो सब्ट्रैक्ट करना है, ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, तो क्या करूँगा मैं एक बोरो लूँगा तो यहाँ ये बोरो में 5 बच जाएगा, 6 में से एक किया लेकिन एक नहीं जाएगा, यहाँ 30th आएंगे, तो मैंने क्या किया 10 में 30th करूँगा तो 40 हो जाएंगे, 10 और 30 = 40, 40 में से 20 अगर मैं माइनस करता हूँ तो 20 आ गए, तो 20 डेज आ गए। उसके बाद 5, 11 फिर सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, तो मैं यहाँ से एक क्या लूँगा बोरो लूँगा और ये 19 हो जाएंगे, यहाँ से एक बोरो ली तो ये बोरो क्या करेगी 12 मंथ लाएगी, तो 5 + 12 = 17, और 17 में से मैं अगर 11 सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो यहाँ बचेंगे 6, तो 6 मंथ हो गए। इसी तरह से यहाँ अब 19 बच गए, 19 में से तो 14 ईयर्स आ गए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें, और आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा।